नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं कि यूपीपी का जो है टेस्ट सीरीज नंबर एक है, और जो सृष्टि दामामेकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो है ये चल रहा है इस समय, और वहाँ पर भी हमारी क्लासें जो है कंटिन्यू चल रही हैं। एसएससी का भी स्पेशल बैच वहाँ पर लॉन्च हुआ है, टीजीटी पीजीटी का भी स्पेशल बैच लॉन्च हुआ है, और जो है जो भी करना चाहें इलाहाबाद में हूँ वो आकर कर सकते हैं। हालांकि मैं ये टेस्ट सीरीज जो है सभी लोगों के लिए, जो मुझे लगा कि फायदेमंद होगा, इसलिए मैं इसे डाल रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसमें देखेंगे टोटल टोटल जो है सामान्य ज्ञान के इसमें 38 प्रश्न हैं। जैसे परीक्षा पैटर्न पर पूछा जाता है उसी आधार पर इसमें प्रश्नों का संकलन किया गया है। देख सकते हैं सामान्य हिंदी का 37 प्रश्न है, संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता का जो है 38 प्रश्न है, अभिरुचि और बुद्धिलब्धता और तार्किक क्षमता का प्रश्न जो है 37 है। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर सामान्य जानकारी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें 38 प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो कौन सी है? शारदा। प्रश्न नंबर दो है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? यूरेनियम को कहा जाता है। नंबर तीन देखेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला एसएनजी के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ई श्रम लॉन्च किया था। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक यूपीपी देने वाले सभी भाई बंधुओं को जो है इसका लाभ मिल सके। नहीं तो ऐसे ही टेस्ट सीरीज को देने के लिए आप सभी को जो है, जो ग्रामीण प्रवेश में है निवास कर रहे हैं, उनको जो है काफी दुर्लभ जटिल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, नहीं ले पाते हैं। विशेषकर उन लोग के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, इनको अवसर नहीं मिला है। और चार नंबर देखेंगे कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो आप देख सकते हैं कि जो है विनीत जोशी का नियुक्ति हुआ है। पांच नंबर देखेंगे, एससीओ का नौवां अस्थायी सदस्य कौन है? ईरान बना है ये। छह नंबर देखेंगे, और अगर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। छह नंबर, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो राममोहन राय के द्वारा। सात नंबर देखेंगे, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? किसे कहा जाता था? श्रीलंका को कहा जाता था। आठ नंबर देखेंगे, 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। तो जो स्वेज नहर है, इसके बन जाने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है लगभग 7,000 कम हो गई है। नौ नंबर देखेंगे, ईपीआर क्रेडिट पाने वाला पहला निकाय नगरीय निकाय कौन है? इंदौर। ईपीआर क्रेडिट पाने वाला पहला नगरीय निकाय इंदौर बना है। दस नंबर देखेंगे कि निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो है आपका होगा अमेजन इंडिया ने। 11 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो विक्रम साराभाई जो थे, एक वैज्ञानिक भी थे, साथ साथ उद्योगपति भी थे। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आपका बी सही है, एन आर नारायण मूर्ति जी। 13 नंबर देखेंगे, G20 संस्कृत कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ था? हम्पी में हुआ था। करंट का क्वेश्चन है, फॉरेनहाइट में जल का क्वथनांक डॉट डॉट होता है, तो
212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और फिर जो है इसमें 15 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है। बागान फसल कौन नहीं है, तो मोटा अनाज जो है, ये मोटा अनार इसमें लिखा गया है, ये नहीं है। तूर दाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, अरहर के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर देखेंगे, डॉट डॉट का पहला का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग जो है हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो इसमें डी होगा आपका। 18 नंबर देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। 19 नंबर देखेंगे, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, तो ये कानून की समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता के अधिकार से संबंधित है। और फिर उसके बाद 20 नंबर देखेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। फ्रेंड्स, हमारे अदर वीडियो को देखने के लिए जो है आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और वहाँ पर ज्योग्राफी के लगभग इंडियन ज्योग्राफी के 25 वीडियो पड़े हुए हैं, लगभग कंप्लीट है, और क्वालिटी की तो लगभग कंप्लीट है। आपका पेट का भी नया बैच लॉन्च होने वाला है इस यूट्यूब चैनल पर, और इसमें देखेंगे 21 नंबर, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किए करने की घोषणा हुई थी, तो ये नरेंद्र मोदी को जो है देने की घोषणा हुई थी। डॉट डॉट 22 नंबर देखेंगे, एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, ये नौचंदी मेला जो है मनाया जाता है। 23 नंबर, एंटीबायोटिक पेंसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। भारतीय संविधान की डॉट डॉट भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है, तो ये भाषा जो है ये 8वीं अनुसूची में स्थित है। और 25 नंबर देखेंगे कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो ये महाधिवक्ता की नियुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 26 नंबर देखेंगे, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है, तो ये केरल। 27 नंबर देखेंगे, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है, तो उरेथरा ये है सही। 28 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डॉट डॉट को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। और 29 नंबर देखेंगे, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डॉट डॉट संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था, तो दोस्तों जीएसटी जो अधिनियम पारित किया गया था ये 101वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 30 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पर देखेंगे कि महोबा जिला जो है ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले से संबंधित है, ठीक है। 31 नंबर देखेंगे, 31 नंबर, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, तो 7.3% है। 32 नंबर देखेंगे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को डाट डाट कहा जाता था, क्या कहा जाता था, सुरसेन कहा जाता था। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है, तो रहीम को जाना जाता है। 34 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय जी जो थे ये जो है हिंदुस्तान के संपादक थे। 35 नंबर, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना
कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था, तो 1968 तक। इसमें आपका सी सही है। 36 नंबर देखेंगे, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो ये दसवंत थे। 37 नंबर, डॉट डॉट फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो ये मुस्तरी भाई। ये आपका विकल्प ए सही है। 38 नंबर, लास्ट क्वेश्चन सामान्य जानकारी का, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो ये आल्हा है। अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, जितने ग्रुप हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं यूपीपी देने वाले, हर जगह आप शेयर कर दीजिए। और इसमें जो है हिंदी में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आशा, आज्ञा, और फिर गरिमा, और फिर इधर देखेंगे सागर। तो सागर जो है ये पुरुष लिंग है, जबकि गरिमा, आज्ञा वो सब क्या था? वो स्त्रीलिंग था। 40 नंबर देखेंगे, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो दर्शन का प्रयोग जो हमेशा बहुवचन में होता है। 41 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वनाम है? तो सर्वनाम यह क्या है? सर्वनाम है। 42 नंबर, निम्नलिखित में विशेषण है? तो विशेषण कौन सा है? शीतलता, ये विशेषण है। सीता सो रही थी वाक्य का काल है? तो ये जो है अपूर्ण भूत का काल है। 43 का सी होगा। 44 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में तद्भव है? तो इसमें तद्भव कौन सा है? गांव। गांव क्या है? एक तद्भव है। और फिर उसके बाद जो देखेंगे, उसके बाद 45 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? तो तत्सम जो है इसमें गधा दिया है, गाय दिया है, घड़ा दिया है, ग्राहक। ग्राहक जो है ये तत्सम शब्द है। 45 का डी होगा। 46 नंबर देखेंगे, 46 नंबर में देखेंगे, जल का पर्याय नहीं है समीर। समीर ये जल का पर्याय नहीं है। 47 नंबर, जटिल का विलोम होगा? जटिल का विलोम सरल होगा। 48 नंबर देखेंगे, वर्ण का अर्थ नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है? सुंदर, ये वर्ण का अर्थ नहीं होता है। 49 नंबर देखेंगे, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा? तो जिसे करना कठिन हो वो जो है एक शब्द, इसमें दुष्कर का प्रयोग किया जाता है। 50 नंबर देखेंगे, अली अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है? तो भावरा सखी, ये आपका बी इसमें सही है। 51 नंबर देखेंगे, अपमान में उपसर्ग है? तो अप जो है ये उपसर्ग है। आप लोग अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, विशेषकर जो ग्रामीण प्रदेश में निवास करते हैं, जिनके पास जो है टेस्ट जैसी सुविधाएं निम्न नहीं मिल पाती। और फिर उसके बाद 52 नंबर देखेंगे, घबराहट में प्रत्यय है? तो घबराहट में प्रत्यय क्या है? आहट, आहट। 52 का सी। 53 नंबर देखेंगे, परमार्थ का संधि विच्छेद है? तो परम धन अर्थ, इसका संधि विच्छेद क्या है? परम धन अर्थ। 54 नंबर देखेंगे, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध वाक्य है, तो मैंने, ये तो शब्द गलत है, मैंने। 55 नंबर देखेंगे, राजपुत्र में समास है? तो राजपुत्र में समास जो है ये तत्पुरुष समास है। 56 नंबर देखेंगे, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो क्रमवाच्य है। 57 नंबर, इसको छोड़ दीजिए। 58 नंबर देखेंगे, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है? तो इसमें डी है आपका। आप देख सकते हैं अल्प विराम का चिन्ह जो है ऐसे होता है। और 59 नंबर देखेंगे, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है? बदनामी होना। 59 का बी होगा।
काला अक्षर बहन बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है पढ़ा लिखा ना होना। 61 नंबर देखेंगे, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है तो उसका अस्थाई भाव विस्मय होता है। प्रश्न संख्या 62 देखेंगे, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। 63 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार है? तो शब्दालंकार कौन सा है? रूपक। इसके बाद हम आएंगे 64 नंबर, क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से दंत्य ध्वनि है तो इसमें जो है ला आपका है, 64 का सी आपका इसमें सही है। 65 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष कौन सा है? चा। चा जो है ये अघोष है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग जो है ये सुंदरता, ये स्त्रीलिंग है। आपका 67 से लेकर 71 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर लिखे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा कि वह स्त्री कहाँ गई? वह स्त्री कहाँ गई? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृदाओं से में चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संख्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। फिर नेक्स्ट पे वो है पैराग्राफ में कि चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सोफी से जल पिलाया। सहसा एक जो है अवरोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शाहजहां हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था? इसमें देखेंगे हुमायूं में कौन सा गुण है? ये कृतज्ञता का गुण है। प्रश्न संख्या 68 देखेंगे, ममता दिन भर बाहर क्यों क्यों नहीं निकली? वह डरी हुई थी इसलिए वह बाहर नहीं निकली। 69 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? तो ये जो है सामर्थ्य नहीं था। 70 नंबर देखेंगे कि जो है अश्वरोही वहां क्यों आया? तो बुढ़िया की छप्पर को ढूंढने आया था। प्रश्न संख्या 71 देखेंगे, गद्यांश में पथिक किसे कहा है? हुमायूं को। 72 नंबर देखेंगे, भारत भारती की रचनाकार हैं तो मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रश्न संख्या 73 देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो संस्कृत के चार अध्याय के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पद्मावत किसकी रचना है? तो ये जायसी की रचना है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं तो मोहन राकेश हैं। तो दोस्तों अब आपका जो है मैथ मैथ स्टार्ट होता है। आप इसमें देखेंगे, आप लोग इसको रफ्तार के माध्यम से इसको सॉल्व करिएगा। खैर इसमें दिया है 76 नंबर, 25, 30 एवं 60 का लघुत्तम समापवर्त जो है एलसीएम क्या है? तो इसमें आंसर जो है डी है 300। लेकिन 77 नंबर देखेंगे, यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाए तो छोटा भाग डॉट डॉट चॉकलेट होगा तो 44 होगा। 78 नंबर देखेंगे, 525 का 28% कितना होगा? 147 होगा। और 79 नंबर देखेंगे, 65 का 220% क्या है? तो 143 है। तो आप लोग इसको रफ्कार के माध्यम से इसको सिद्ध करिएगा।
और फिर उसके बाद 80 नंबर देखेंगे, किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है, स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदी थी? तो कितने रुपए में खरीदा था? 550 रुपये में खरीदा था। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। और 81 नंबर देखेंगे, 14% की छूट पर एक खिलौनों की बिक्री 215 रुपए की हो गई है, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? तो खिलौने का अंकित मूल्य जो है 250 रुपये है। और फिर 82 नंबर देखेंगे, 4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष से हेतु 3750 रुपये का निवेश करने पर डॉट डॉट रुपये ब्याज प्राप्त होगा, तो 750 प्राप्त होगा। 83 नंबर, 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि होगी, तो क्या होगा? 441 रुपये। और साथ में जो है देखेंगे, 84 नंबर, मिताली और जुलन ने क्रमशः 336 रुपये एवं 221 रुपये में एक कारोबार में निवेश करने के लिए, परंतु मिताली ने कुछ महीनों बाद पैसे वापस निकाल लिया। 12 महीने के समापन पर मिताली और जुलन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 होने पर मिताली ने कितने महीनों के बाद अपना निवेश निकाल लिया होगा? तो 5.5, ये जो है आपका, ये देखेंगे 85 नंबर, 14, 21 एवं अन्य संख्या का औसत 30 है, और तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या इसमें 45 आ रहा है। और आप लोग वीडियो को सेंड कर दीजिए प्लीज अपने सभी फ्रेंड के साथ, ग्रुप में जितने भी हैं। और 86 नंबर जो है, ये 33 मिनट 45 सेकंड होगा इसमें आंसर। आप लोग प्रश्न को देख लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ये देखिए, ये 88 नंबर है, 88 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है, यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% से और चौड़ाई का 25% से बढ़ाया जाता है, तो कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखते हुए कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा? तो कितना होगा? 31.25% इसमें आ रहा है। और ये प्रश्न जो है काफी बड़ा बड़ा है, आप लोग इसको देखकर आराम से वीडियो को रोक कर जो है इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है सारा प्रश्न, और इसी टाइप का जो है पेपर में पैटर्न भी यही है। इसमें देखेंगे, सादृश्य पूर्ण करें, तो सिंह है सिंहावक, सिंह सावक है तो इल्ली है, तो इसे तितली कहा जाएगा, बीच में तितली को इल्ली, उसका जो बच्चा होता है। 92 नंबर देखेंगे, शब्दों की जोड़ी पर विचार करें, पूर्वज वंशज, निम्नलिखित शब्दों के मध्य संबंधों की कौन सी जोड़ी ऊपर की जोड़ी से निकटता से मेल खाती है? तो ये बीमारी बीमारी उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक, 93 नंबर है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, तो महाराष्ट्र, मुंबई, तमिलनाडु, और इसमें फिर चेन्नई आपका आ जाएगा। सादृश्य पूर्ण करें, कलम अनुपाती निब है, कलम का अगर निब होता है तो विमान का जो है काकपिट होता है, 94 का ये सही है विमान। 95 आप लोग देख लीजिए, 95 क्वेश्चन, और इसमें जो है इंग्लिश को इसमें सॉल्व करना है। और फिर 94, और सृष्टि में यहाँ पर जो है सृष्टि द इंस्टीट्यूट में जो है वहाँ पर हमारा पॉलिटी और जियोग्राफी का इंडिविजुअल और कंबाइंड दोनों बैच चल रहा है, जिस भी साथी को, दोस्त को, स्टूडेंट को करना हो तो वो आके जो है कर सकते हैं। और वहाँ पर जो है बैच स्टार्ट हो गया है, बच्चे भी आ गए हैं और चल भी रहा है। 96 नंबर देखेंगे,
तो ये चीज़ आपका 97 नंबर, इसमें DAS होगा, और फिर 98 नंबर में Y होगा, 99 नंबर में जो है 972 होगा, और फिर 100 नंबर में देखेंगे तो 17 होगा, ठीक है। 101 नंबर में आप लोग इस प्रश्न को देखिएगा और लगाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा अगर कोई त्रुटि होगी कहीं पे। और 102 नंबर देखेंगे, इसमें ये सही है। 103 नंबर देखेंगे, इसमें जो है KLLMN ये सही है। और फिर इसमें जो है आपका उत्तर पूर्व सही है 104 नंबर में। 105 नंबर छोड़ दीजिए, इसमें 106 नंबर में आप देखेंगे कि देख लीजिए इसमें ये करना है, कुछ पेंस किताबें हैं, सभी पुस्तक पेंसिल हैं। तो इसमें आपका निष्कर्ष जो है क्या निकल रहा है, कुछ पेन पेंसिल हैं, कोई पेंसिल किताब नहीं है। तो केवल निष्कर्ष एक जो है पालन कर रहा है, कुछ पेन पेंसिल हैं। देख लीजिए ये सारा क्वेश्चन आप लोग, और प्रयास करिएगा इसको लगाने का। ये देखिए 108 नंबर, 108 नंबर का जो है केवल धारणा 2 अंतर्निहित है। 109 नंबर में आप देखेंगे तो 3625 इसमें वर्ग सॉरी आंसर आ रहा है। और 110 नंबर में देखेंगे तो इसमें 82 आंसर है। 111 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर जो है 19.62 आ रहा है। 112 नंबर देखेंगे क्वेश्चन 1/18 इसमें आ रहा है। 113 नंबर देखेंगे तो 42, 60 एवं 72 का महत्तम समापवर्तक क्या है, तो ये इसमें 6 आ रहा है। आपका रीजनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। निम्न समूह में से सबसे अलग कौन है, तो मीटर, मील, परलांग, एकड़, यार्ड, तो इसमें मीटर है। दिए गए 4 युग्म में से सबसे अलग युग्म को पहचाने, तो इसमें सामाजिक, विज्ञान, भौतिक, ये तीनों हैं। 116 नंबर है इसमें, अगर लकड़ी लकड़ी को चिप या खंड कहते हैं तो ब्रेड को क्या कहेंगे, स्लाइस कहते हैं। 117 नंबर में देखेंगे आपका कि जो है जो जल को प्रतिबिंब है, तो ये आपका जो है 1 नंबर सही है। 118 नंबर में देखेंगे 4 चित्रों में से सबसे अलग चित्र पहचाने, तो सबसे अलग चित्र जो है आपका पहला वाला है। और ये 119 नंबर में आपका ये पहला सही है। 120 में जो है आपका ये पहला सही है, और 121 में आपका चौथा ये सही है, इसमें चित्र को पहचानना है। और 122 नंबर में आप देखेंगे तो आपका दूसरा सही है। 123 में आपका तीसरा सही है, अलग अलग चित्रों की पहचान करना है, इसमें कौन चित्र से भिन्न है। 124 नंबर देखेंगे कि कोई भी खिड़की मछली नहीं है, सभी मछली इंसान है, इसमें देखेंगे सिर्फ एक निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ये देख लीजिए सारा क्वेश्चन, चूंकि इतना सब इसमें, ये 125 नंबर है, 125 नंबर का आंसर जो है ए होगा। 126 नंबर का आंसर जो है देखेंगे तो इसमें भी ए होगा। 127 नंबर लुप्त संख्या ज्ञात करें, 130 होगा। 128 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो इसमें आंसर 103 आ रहा है। 129 नंबर में थर्मामीटर तापमान, तो एम मीटर से धारा मापा जाता है, तो दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। 130 नंबर देखेंगे तो इसमें जो है 56 आ रहा है। चिकित्सा, अगर चिकित्सक है, 131 नंबर देखेंगे, चिकित्सक अगर रोगी से संबंधित है तो वकील अभियोक्ता से संबंधित है।
132 नंबर देखेंगे कि इसमें जो है दूसरा पद इसमें संबंधित है कैसे कैसे, तो 226 अनुपाति 15 और फिर यहाँ पर 65 और प्रश्न चिन्ह है तो इसमें 8 आ रहा है। 133 नंबर देखेंगे कि संख्या क्रम को पूर्ण करें तो 2, 5, 10, 17, 26, 37 तो इसमें 50 होगा। 34 नंबर आप देखेंगे बैन का कोड DCP होता है तो पापा का कोड क्या होगा, RCRC होगा। 135 नंबर आप देखेंगे आंसर इसमें 35, 87 आ रहा है। 136 नंबर देखेंगे तो इसमें जो है ट्रुथ का कोड जो है SUQTVSUGI होता है तो LIES का कोड क्या होगा, तो आपका इसमें जो है ये होगा KMHGDFRT। ये देख लीजिए सारा क्वेश्चन 137 नंबर और 138 नंबर ये आप देखेंगे सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन रीजनिंग का है, आप लोग इसको देखिएगा और वीडियो को रोक कर जो इसको लगाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये जो पेपर बनाया गया है उसके परीक्षा पैटर्न पर ही बनाया गया है ताकि पेपर के टाइम बच्चों को असुविधा ना हो। 146 में आपका डी आंसर सही आ रहा है, 147 में अभ्यास निपुणता ये सही है, 148 में 5, 36, 243 है और 149 में समुद्र जहाज ये सब सही है, 150 में जो है इसमें आपका तीसरा सही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हों, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप में अदर जगह जो है इसे जो है सेंड करिए। धन्यवाद।